हेलो दोस्तों, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए। रियल बुलादर को उसमें हमारा खुशी देखने को मिलेगा। धन्यवाद जी। अच्छा, ये मोदी ने बना दिया, कोई पता नहीं उसका। हाँ जी, और देखो भाई इस पहलवानी की बदौलत, और ये ओ भाई एक मिनट बात सुन लो, पहले एक मिनट बात सुन लो। ये हमारे दंगल आयोजक माननीय देवीलाल शर्मा जी की देन है, जो इतने बड़े बड़े पहलवान आपके पीछे बुलाए हैं। आप क्यों बुलाए वो बता दूं मैं। ये नशा इतना चल रहा है, उस नशे को छोड़कर बच्चे अच्छी आदत में आए। और ये जो जम्मू कश्मीर से लड़का आया जावेद गनी पहलवान, इसने पहलवानी की बदौलत बीएसएफ में नौकरी प्राप्त किया। एक बार ताड़ियों के साथ इस पहलवान का स्वागत करो भी जोरदार। और कल इसको फोन किया था कि भाई यमुनानगर में आना है और अंकल जी से बात करवाई, और इसने कहा मैं दंगल में जरूर आऊंगा ताकि यहाँ के बच्चे भी सुधरे भाई। हेलो, और इस कुश्ती का समय 10 मिनट, फैसला बीच में। हेलो दोनों भाई, कोई भी पहलवान गलत काम नहीं करेगा। मोनू पहलवान और जावेद गनी पहलवान, कुछ चंद गद्दारों ने खींच दी लकीरें मेरी थाली में। जावेद गनी पहलवान, क्या फर्क था तेरी ईद और मेरी दिवाली में। एक बार ताली मार दो भी जोरदार। कुश्ती का समय 10 मिनट है भाई। हेलो 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 हेलो, एक मेरी बात सुन ले, एक बात सुन ले मेरी। यो हेलो, यो सरकारी, हेलो एक बात सुन ले, बात सुन लो मेरी एक बार पहलवान जी, एक बार बात सुन लो। दो दो डॉक्टर अंदर है और मैं माइक में बोल रहा हूं। मैं भी एक थोड़ा उठा कंप्यूटर मान लिया मेरे को थोड़ा सा। बात सुन ले मेरी, यो सरकारी फौजी है, सरकार के कहने पे चला। आज यो जनता के बीच में, अगर जनता का कहना मान लिया इन्हें क्या बात है।
ऐसा हाथ पैर में मोड़ो, मौका